ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब भगवान कृष्ण भौमासुर के महल से, उसके घर से 16,100 राजकुमारियों को छुड़ा करके लाए और भगवान ने उनके साथ में द्वारका में बड़े ही धूमधाम के साथ उनके साथ विवाह का आयोजन किया। ये सारी राजकुमारियां हृदय के साथ में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो इस लायक रहें कि भगवान उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो अब ये शुभ घड़ी आ गई थी। भगवान ने क्या किया, किस प्रकार से इन 16,100 राजकुमारियों के साथ में भगवान ने विवाह आयोजित किया, ये बड़ा ही अनूठा है। और इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान मात्र ऐसा कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले भगवान ने अपना विस्तार किया 16,100 रूप में। बाद में भगवान ने इन 16,100 राजकुमारियों के लिए 16,000 महल बनवाए, उसका निर्माण करवाया। और जब शुभ घड़ी आ गई, एक ही शुभ घड़ी में हरेक महल में विराजमान हो करके भगवान ने इन 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। तो इससे ये बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान, उनके पास में अनोखी शक्तियां हैं। भगवान जैसे वेदों के अंदर में कहा है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, भगवान के पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान हरेक जगह पर सर्वव्यापी हैं। भगवान हरेक कण के अंदर में है, इसलिए भगवान हरेक रानी के साथ में कोई भगवान के लिए मुश्किल कार्य नहीं था। अगर भगवान हरेक कण के साथ में रह सकते हैं, हरेक आत्मा के साथ में इस शरीर के अंदर में भगवान विराजमान करते हैं, तो भला क्या ये मुश्किल काम है भगवान के लिए 16,000 रानियों के साथ में रहने का। हरेक जीव के साथ में, हरेक योनि में जब जीव जाता है, भगवान उसके साथ में रहते हैं, तो ये भगवान के लिए कोई अनोखा कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन सब के साथ में विवाह किया। और भागवत में बताया है जिस प्रकार की सुविधाएं इन महल के अंदर में थी, पूरे लोकों के अंदर में, स्वर्ग लोक से लेकर के पाताल लोक तक, उसकी कोई भी तुलना नहीं थी। जिस प्रकार की सुसज्जित वस्तुएं उस महल के अंदर में थी, वहां पर बढ़िया बाग बगीचे थे, इस प्रकार की तुलना पूरे किसी भी लोकों के अंदर में नहीं थी। और भगवान जो हैं बड़े ही अद्भुत हैं। एक तरफ तो भगवान ने अपना भगवान का ऐश्वर्य दिखाया,
कैसे दिखाया? भगवान ने अपने आप को 16,000 रूपों में परिवर्तित किया। भगवान जो है 16,000 उन्होंने विस्तार किए। हर एक रानी के लिए उन्होंने महल बनवाया। ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन जब भगवान की इन रानियों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में दिनचर्या की बात आई, वो कैसे अपना दिन बिताते थे, तो बिल्कुल भगवान सीधे साधे, जिस प्रकार से सरल व्यक्ति एक अपनी पत्नी के साथ में किस प्रकार से उसका लेन देन होता है, उसका आदान प्रदान होता है, बड़े ही साधारण रूप से भगवान ने ये अपने पति का धर्म इन पत्नियों के साथ में निभाया। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, क्योंकि देखिए, इस भौतिक संसार में हम अनेकों प्रकार के संबंध में अनेकों प्रकार के आनंद की प्राप्ति करते हैं। किसी के साथ में प्रेम का संबंध करते हैं, माधुर्य का संबंध करते हैं, किसी के साथ में सखा का संबंध करते हैं, किसी के साथ में हम उनके लिए मालिक हैं, कोई हमारा दास है। इस प्रकार से अनेकों संबंध में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या होता है, इस भौतिक संसार में जिनके साथ में भी हम संबंध बनाते हैं, हमारा स्नेह व्यक्त करते हैं, वो वस्तु उसके लायक नहीं है। हमारे दिल को ठोकर पहुंचती है, दुख मिलता है। और अगर वो व्यक्ति सही भी है, हमें ठोकर भी नहीं पहुंचाता है, प्रकृति के नियम के अनुसार एक दिन उस व्यक्ति को छोड़ करके जाना पड़ता है। हम छोड़ करके चले जाएंगे या वो व्यक्ति हमको छोड़ करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से भौतिक संसार में जिस वस्तु के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में, जिस जीवों के साथ में हम इस प्रकार के आदान प्रदान करते हैं, उसमें हमें संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। यही अगर हम भगवान की तरफ इसको मोड़ दें, भगवान को अपना सखा बनाएं, भगवान को माधुर्य रस में, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी के सभी राजकुमारियों ने भगवान को अपने पति के रूप में ग्रहण किया, तो वो जो दाम्पत्य का सुख है जो हम इस संसार में भोग रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का सुख हम लोग भोगेंगे भगवान के साथ में इस प्रकार के संबंध बनाने से। हमें बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होगा कि ये भगवान के साथ में मेरा संबंध है, क्योंकि अगर हमें बार बार याद आएगा कि ये तो भगवान है, फिर संबंध के अंदर में एक प्रकार से जो है रुकावट आ जाती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आपका एक दोस्त है और वो दोस्त जो है बड़े घराने का है, ऐश्वर्यवान है, उसके पास में धन दौलत है, बड़ा ही यशस्वी है, और अगर आप उसके दोस्त हैं और आपको बार बार वो याद आता है दिमाग के अंदर में, भाई ये मेरा दोस्त तो बड़ा आदमी है, तो बड़ी मुश्किल होगी, आप उसके साथ में सही प्रकार से जो है दोस्ती नहीं कर पाओगे, वो आदान प्रदान सही नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जब चाहिए तो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, अन्यथा भगवान जो है पूर्ण रूप से जो रिश्ता हम भगवान के साथ में बनाते हैं, जो संबंध हम भगवान के साथ में बनाते हैं, उस संबंध को भगवान पूर्ण रूप से पूरा करते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये हम भगवान की लीलाओं में देख सकते हैं। जब भगवान ने अपने बालक की लीला में यशोदा माई और नंद महाराज को किस प्रकार से आम बालक की तरह उनके आंगन में क्रीड़ा करके किस प्रकार से आनंद प्रदान किया, इसी प्रकार से भगवान अपने दाम्पत्य जीवन में इन पत्नियों को भगवान ये आनंद जो है प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान की श्रेष्ठता है। तो कैसे करते थे भगवान, ये भी भागवत में उसका बड़ा सुंदर विवरण दिया है। भगवान जो हैं, जब बाहर से कहीं से आते थे, बड़े थके हुए आते थे, भगवान को तो कोई थकान नहीं है, लेकिन फिर भी जब भगवान बाहर से आते थे, तो इनकी पत्नियां जो हैं, ये जो 16,100 रानियां थी, इनके पास में हजारों हजारों दासियां थी। तो भगवान की सेवा करने के लिए चाहिए तो इन सारी दासियों को लगा सकती थी कि भाई तुम लोग अपना काम कर लो, तुम मेरे पति की सेवा कर लो, हम आराम करेंगी। लेकिन नहीं, देखिए भगवान के साथ में कितना इनका बढ़िया जो है संबंध था। इतनी सारी दासियां होने के बावजूद भी भगवान जब आते थे तो
तुरंत भगवान को जो है बढ़िया आसन पर वो बिठाती। आसन पर बिठाने के बाद में गंगा जल के द्वारा भगवान के पाँव को धोती। पाँव को धोने के बाद में भगवान को चामर के द्वारा ठंडक पहुंचाती। उसके बाद में भगवान थक गए होंगे दूर से आने के पश्चात, इसलिए उनके पाँव दबाती। और इस प्रकार से जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी राजकुमारियां थी ये भी सब लक्ष्मी जी की ही विस्तार थी, तो ये सारी की सारी जिस प्रकार से सहस्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है, ये सहस्र लक्ष्मी द्वारका में इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान की जो है वहाँ पर अपने दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार से अपनी पत्नियों को, इन राजकुमारियों को, इन रानियों को भगवान जो है आदान प्रदान में इस प्रकार का आनंद प्रदान करते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो हैं रुक्मिणी देवी के शयन घर में गए। वहाँ पर जाने के पश्चात भगवान अब उनके साथ में एक बड़ी ही सुंदर लीला करना चाहते थे, जिसके द्वारा भगवान अपने दाम्पत्य जीवन का एक सुख, उसकी अनुभूति, एक प्रकार के आनंद की प्राप्ति करना चाहते थे। तो भगवान वहां पर जाकर के गए उनके शयन कक्ष में और भगवान रुक्मिणी के पलंग के ऊपर बैठ गए। और वहां पर रुक्मिणी जी की एक दासी भगवान को जो है चामर हिला करके भगवान की सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी वहां पर विश्राम कर रही थी उस पलंग के ऊपर। तो कृष्ण जी वहां पर जाने के पश्चात में अब जो है, जैसे भगवान ने भगवद गीता में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, भगवान कहते हैं जब भी इस भौतिक संसार के अंदर में धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तो भगवान क्या करते हैं, सही प्रकार का धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। उस समय में भगवान क्या करते हैं, भगवान जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो मानव धर्म के अंदर में गृहस्थ जीवन में किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या करनी चाहिए, भगवान जो है इसकी भी स्थापना करते हैं। ये भी एक प्रकार का धर्म है, पति पत्नी के बीच में जो धर्म होता है, तो भगवान इसकी भी स्थापना करना चाहते थे। और भगवान जो है जिस प्रकार से पति और पत्नी के बीच में एक प्रकार का जो संबंध होता है, जिसमें वो आनंद उठाते हैं, भगवान जो है उसका प्रदर्शन करना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा, ये विचार किया कि जब मैं स्वर्ग लोक से यहाँ पर पृथ्वी लोक पर इंद्र को हराने के पश्चात मैंने सत्यभामा के लिए एक परिजात का पेड़ वहाँ से मैं लेकर के आया। क्यों लेकर के आए थे भगवान, नारद मुनि ने एक बार सभा में स्वर्ग लोक से वो परिजात का फूल लेकर के आए थे, रुक्मिणी देवी को प्रदान किया था। और आम जीवन में हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक पत्नी और दूसरी पत्नी के बीच में जो है एक प्रकार से थोड़ी स्पर्धा रहती है, और उस स्पर्धा के कारण भी एक प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब नारद मुनि ने आकर के रुक्मिणी देवी को वो फूल दिया था परिजात का, तो सत्यभामा रुष्ट हो गई कि उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कृष्ण से जिद की कि देखो कृष्ण, धरती के ऊपर तो परिजात फूल उगता नहीं है, ये तो स्वर्ग लोक का है, मुझे भी इसी प्रकार का फूल चाहिए। और भागवत में कहा है केवल फूल मात्र से सत्यभामा मानी नहीं, जब तक कृष्ण इंद्र देवता को हरा करके पूरा पेड़ उन्होंने उनको सौंप ना दिया हो, तब तक सत्यभामा को कोई संतुष्टि नहीं थी। तो इस प्रकार की स्पर्धा थी। अब भगवान ने जब पूरा पेड़ सत्यभामा को सौंप दिया, अब भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी देवी भी इसी प्रकार से स्पर्धा करे और भगवान से जिद करे कि भगवान मुझे भी कुछ ला करके दो। लेकिन रुक्मिणी देवी जो है बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, वो अपने आप के अंदर में संतुष्ट थी, भगवान की सेवा करने के लिए बड़ी आतुर थी।
अभी जब ये उनकी दासी चामर हिला रही थी, उन्होंने दासी से चामर ले लिया और भगवान कृष्ण को स्वयं चामर हिला करके जो है, जिस प्रकार से लक्ष्मी वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करती हैं, स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी अब भगवान की सेवा में उस प्रकार से संतुष्ट थी, तो कृष्ण को संतुष्टि नहीं हुई। कृष्ण सोच रहे हैं किसी न किसी प्रकार से रुक्मिणी को भी मैं थोड़ा रुष्ट करूं, कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी व्यंग के द्वारा, बातों के द्वारा मैं देखना चाहता हूं कि वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो, और चिड़ने के बाद में जब मेरे ऊपर व्यंग के बाण छोड़ेगी तब मुझे जो है वो आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान ने अब क्या किया, भगवान वहां पर बैठे हुए थे तो भगवान ने रुक्मिणी देवी के साथ में एक वार्तालाप वहां पर प्रारंभ कर दी। तो भगवान ने वहां पर कहना प्रारंभ किया कि हे रुक्मिणी, मुझे लगता है कि तुम तो इतने बड़े शानदार घर से आई हो, तुम राजकुमारी थी और तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे राजा मतवाले थे, वो सब तुमसे जो है अनेकों प्रकार से प्रेम करते थे, तुम्हारा हाथ स्वीकार करना चाहते थे। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई रुक्मा वो भी यही चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ करके मैंने तुम्हारा हरण कर लिया और तुम्हारे साथ में विवाह कर दिया। लगता है तुम बड़ी संतुष्ट नहीं हो उसके कारण। तो इस प्रकार से अब भगवान ने जो है अनेकों प्रकार के व्यंग प्रारंभ किए, भगवान रुक्मिणी को थोड़ा चिड़चिड़ा करना चाहते थे। तो आगे भगवान किस प्रकार की ऐसी वार्तालाप करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।